आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बस्ती दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा। 12:30 बजे बस्ती पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर सामने आ रही है, बस्ती के इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा। बड़ी खबर सामने आ रही है, 12:30 बजे बस्ती पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बस्ती के इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा। बस्ती आ रहे हैं जेपी नड्डा, 12:30 बजे बस्ती पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बस्ती के इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर सामने आ रही है, दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। बांदा से चित्रकूट जा रही बस अचानक बनी आग का गोला। बड़ी खबर सामने आ रही है, नए वर्ष में चित्रकूट जा रहे थे दर्शनार्थी, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बांदा पुलिस ने बचाई सभी लोगों की जान। बस का खलासी गंभीर रूप से झुलसा, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। बांदा से चित्रकूट जा रही बस अचानक बनी आग का गोला। बड़ी खबर सामने आ रही है, नए वर्ष में चित्रकूट जा रहे थे दर्शनार्थी, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से धू धू कर जल रही है बस, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बांदा पुलिस ने बचाई सभी लोगों की जान। बस का खलासी गंभीर रूप से झुलसा, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। फतेहपुर कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे की फैली चादर, ठंड और कोहरे से वाहनों की थमी रफ्तार। दिन के उजाले में भी वाहन लाइट जलाने को मजबूर, ठंड और कोहरे के बीच आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे से 20 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी, फतेहपुर जनपद का मामला है जहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की चादर हर तरफ छाई दिख रही है। फतेहपुर कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे की चादर में सिमटा, ठंड और कोहरे से वाहनों की थमी रफ्तार। दिन के उजाले में भी वाहन लाइट जलाने को मजबूर, ठंड और कोहरे के बीच आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे से 20 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी, फतेहपुर जनपद से यह खबर सामने आ रही है जहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से दिन में भी लाइट जलाने को मजबूर हैं यात्री। मऊ से साइकिल सवार को मारी टक्कर, मऊ से यह खबर सामने आ रही है जहां साइकिल सवार को टक्कर मार दी है, साइकिल सवार की मौके पर मौत। गुस्साए स्थानीय लोगों ने रोड किया जाम, पुलिस ने मामला किया शांत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना कोपागंज के सहरोज क्षेत्र का मामला। मऊ में साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर मौत। गुस्साए स्थानीय लोगों ने रोड किया जाम, पुलिस ने मामला किया शांत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रतापगढ़ में सपा समर्थकों की गुंडई। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रतापगढ़ से जहां सपा समर्थकों ने भाइयों पर बोला जानलेवा हमला, रॉड से की जमकर पिटाई। युवक धीरेंद्र केसरवानी की हालत नाजुक, संग्रामगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला।
प्रतापगढ़ में सपा समर्थकों की गुंडई आई सामने। सपा समर्थकों ने जानलेवा हमला बोला, रॉड से की जमकर पिटाई। युवक धीरेन्द्र केसरवानी की हालत नाजुक। लखनऊ में बेरोजगारों के लिए प्रतिज्ञा लेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेरोजगारी मुद्दे पर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में बेरोजगारों के लिए प्रतिज्ञा लेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेरोजगारी मुद्दे पर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में बेरोजगारों के लिए प्रतिज्ञा लेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेरोजगारी मुद्दे पर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। जो प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा लेंगी बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों का मुद्दा उठा रही है जो अभी तक महिलाओं को साथ लेकर चल रही थी, और अब प्रियंका गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। बेरोजगारी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और बेरोजगारों का मुद्दा उठाएंगी, बेरोजगारों के लिए लखनऊ में लेंगी प्रतिज्ञा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में सूची होगी जारी, सहायक अध्यापकों की सूची जारी। जिलों में होगी काउंसलिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है। नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, करीब 6,000 अभ्यर्थियों का होगा चयन। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में सूची होगी जारी, सहायक अध्यापकों की सूची होगी जारी। जिलों में होगी काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, करीब 6,000 अभ्यर्थियों का होगा चयन, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में सूची होगी जारी, सहायक अध्यापकों की सूची होगी जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाउस टैक्स बढ़ोतरी का रहेगा रेड सिग्नल। विधानसभा के बाद होगा नगर निगम का चुनाव, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं है कोई दल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाउस टैक्स बढ़ोतरी का रहेगा रेड सिग्नल। विधानसभा के बाद होगा नगर निगम का चुनाव, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं है कोई दल। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाउस टैक्स बढ़ोतरी का मामला है जिसपे रेड सिग्नल रहेगा, विधानसभा के बाद होगा नगर निगम का चुनाव। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।